दिन रात बराबर नगरवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला हमारा पुलिस अमला कितनी समस्याओं से ग्रसित है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। कुछ ऐसी ही तस्वीर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि किस तरह जर्जर मकानों में पुलिसकर्मी रहने को मजबूर है। ये बिरसिंहपुर पाली थाना के पीछे वार्ड नंबर 10 में बने पुलिस क्वार्टर्स हैं, जिनकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। मेंटेनेंस और देखरेख के अभाव में ये पुलिस क्वार्टर्स जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी कई क्वार्टर्स में पुलिस कर्मचारियों को रहने की मजबूरी बनी हुई है। सर, ये पुलिस क्वार्टर जो बने हुए हैं, ये खंडर वाले, इसी में जानवर लोग रहते हैं और जानवरों की वजह से लोग इतने परेशान हैं। ऐसा यहाँ पर बदबू मारता है कि रहना दुश्वार हो जा रहा है। आज लोग देखो सफाई अभियान चालू करवाएं, लेकिन आज ऐसे बीमारियों की वजह से बीमारी फैल रही है। आज यहाँ कुछ भी दुर्घटना हो जाएगी तो कोई देखने नहीं आता। सर, आप बताइए लोग कैसे रहेंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है उनको, बड़े बीमार हो रहे हैं। अगर यहाँ किसी को कुछ भी हो जाए। इसकी कंप्लेन कहीं की है आपने? जी, नगर पालिका में 2-3 बार कंप्लेन करी, पर बोले ठीक है हम आके देखते हैं, पर यहाँ पर कोई भी आके देख नहीं पाता, बताइए सर। हालांकि कुछ जर्जर मकान खाली पड़े हैं जहाँ लोगों द्वारा सुअर पालन किया जाता है, वहीं वार्ड वासी भी सुअर के इस पालन से परेशान है। वार्ड में गंदगी फैलाते ये जानवर वार्ड वासियों के परेशानी का सबब बने हैं। जो पुलिस कमरे बने हुए हैं सर, उनमें ये जानवर रहते हैं और रातों दिन ये जानवर इन्हीं कमरों में बने रहते हैं, और जैसे भी मोहल्ले के कुछ लोग कुछ भी फेंकने आते हैं वो धड़ से बाहर आते हैं, और इसके बाद में यहीं पे उनका मलबा वगैरह सब, मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है। और मोहल्ले के कई बच्चों को हम लोगों ने शहडोल भी एडमिट किया, उमरिया भी एडमिट किया। हालात ऐसे बने हुए हैं कि मतलब सांस लेना एकदम बिल्कुल माहौल हो गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने नगर पालिका में कम से कम नहीं तो 10 बार करी, और उस नगर पालिका की हमारे पास रिसीविंग भी रखी हुई है। और अभी कल ही मैं CMO साहब को फ़ोन लगाया था कि आके आप एक मिनट देख लीजिए, तो उनका कहना है कि हमारे डंपिंग सेट में दोनों टाइम ट्रैक्टर लगता है और वहाँ का मलबा तो साफ़ हो जाता है, आप कैसे हमको बता रहे हैं? तो मैं कहा अगर आप आ जाती और देख लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन CMO साहब यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, इसलिए आज हम लोगों को मतलब ये कदम उठाना पड़ा है। गौरतलब है थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा द्वारा कई बार जर्जर क्वार्टर्स की और बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आला अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। थाने के पीछे पुराने पुलिस के क्वार्टर थे जिन्हें कन्नम घोषित किया गया था, और कन्नम घोषित करने के बाद इसको और प्रस्ताव नए प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसे पुलिस अधीक्षक साहब ने भी उसमें अनुमोदन करके भेजा हुआ है, और जल्दी इसमें फेंसिंग और ये अन्य कार्य होंगे। अभी पुलिसकर्मी कहाँ रहते हैं सर? अभी पुलिसकर्मी जो कोल माइंस के क्वार्टर्स हैं और MPD के क्वार्टर्स हैं, उनके द्वारा जो उनकी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार वहाँ रह रहे हैं। वहीं सरकारी क्वार्टर्स के अभाव में पुलिस कर्मचारियों को संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र तथा कोल माइंस के क्वार्टर्स में किराए से रहना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, बिरसिंहपुर पाली।